दूरदर्शन न्यूज। विकास के इस दौर में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें अभी भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। सरकार या जन प्रतिनिधि भले सड़कों का जाल बिछा देने का दावा करे, लेकिन अभी भी माझी प्रखंड क्षेत्र के ताजपुर से डुमाईगढ़ जाने वाली जर्जर गड्ढे नुमा कच्ची सड़क अपने उद्धारक के इंतजार में है। उक्त सड़क में बरसात की कौन कहे, सुखार में भी आवाजाही करना जान जोखिम में डालने के समान है। इस महत्वपूर्ण कच्ची सड़क की बदहाली को लेकर लोगों में कई वर्षों से आक्रोश व्याप्त है। वहीं आज खुरट पंचायत के VDC लक्ष्मण यादव ने भी खुलकर कहा कि अनेक बार सांसद और विधायक से इस सड़क के बारे में अवगत कराया गया है, परंतु इस पर कोई ध्यान नहीं देता, बस अनसुना कर दिया जाता है। क्या यही विकास है? विकास अब तो विकास नाम से भी चिढ़ होने लगा है। माझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। बोलिए सर, क्या समस्या है? समस्या है जो डुमाईगढ़ से एकमा रोड जल जमाव से भरा हुआ है। बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे नेता कौन पूछे, किसी का नजर नहीं है जो रोड पर दरिया बह रहा है। यही समस्या है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम लक्ष्मण यादव, VDC घोराट पंचायत। इस संदर्भ में आप लोग किसी जनप्रतिनिधि से भी कहे हैं क्या? हाँ हाँ, कहते हैं, बराबर कहते हैं, लेकिन सुनता कौन है? कहाँ इस पर किसी का ध्यान गया है? थैंक यू।